लेकिन मैं समझी नहीं, आप यहाँ आई कैसे? अरे बेटा, तुम्हारे ही मोबाइल की उस ऐप में से जिसमें आजकल सब लोग अपना बुढ़ऊ वाला चेहरा बना रहे हैं, यहाँ पर भी और टीवी की दुनिया में भी। बुढ़ापा लगता है आजकल फैशन में है। यकीन नहीं होता तो टीवी और फिल्म में सितारों की ये तस्वीरें देखिए। इनको देखकर आपको लगेगा बूढ़ा होना भी फैशनेबल होता है। जरा देखिए, ये है मोहब्बत के कर। जरा देखिए कसौटी जिंदगी के अनुराग और प्रेरणा को, जो बूढ़े होकर कैसे लग रहे हैं। जेनिफर विंगेट बूढ़ी होकर कैसी दिखेंगी? दीपिका पादुकोण का क्या होगा 40 साल बाद चेहरा? सलमान खान भले ही 50 के हों, लेकिन अगर वो 80 के होंगे तो ऐसे दिखेंगे। ये उन दिनों की बात है कि समीर और नैना बुढ़ापे में ऐसे दिखेंगे। रौनित रॉय का ऐसा होगा बुढ़ापे वाला चेहरा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के एजे बूढ़े होकर ऐसा चेहरा पाएंगे। तो एमटीवी रोडीज में सबको डराने वाले रणविजय सिंह का चेहरा होगा बुढ़ापे में कुछ ऐसा। सोनम कपूर बूढ़ी होकर ऐसी लगेंगी। तो दीपिका कक्कर का चेहरा होगा कुछ ऐसा। सुरभि ज्योति हो चाहे सुरभि चांदना, सबके बुढ़ापे वाले चेहरे देख लीजिए। क्योंकि आजकल मनोरंजन की दुनिया में लेटेस्ट फैशन है फेस ऐप चैलेंज, जहां पर फोन पर एक खास एप्लीकेशन की तरह आप अपने चेहरे को ऐसा दिखा सकते हैं जो आप 40 साल बाद दिखेंगे, यानी बूढ़े वाला चेहरा। थोड़ी अच्छी दिखू ना वरना। अच्छा तो मैं लग रही हूँ अच्छी? एक्चुअली अच्छी लग रही हूँ मैं, नॉट बैड। हाँ, ये आजकल ट्रेंड निकला है और जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं, जितने भी टीवी एक्टर्स हैं, सबने ये ट्रेंड लिया है। आई मीन सबने पोस्ट किए अपने पिक्चर्स और सब लोग माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स के देखे, मैंने अर्जुन कपूर का देखा, मैंने अनिल कपूर जी का देखा, वरुण धवन, वो सब अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे। भारती, मैं बता रहा हूँ, भारती का फेस ऐप वाला एक फ़ोटो था, अब मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास। राजू दादा क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अरे बड़ा फनी था, पता नहीं किसी फैन ने कहीं किया था, बहुत फनी था। वरुण धवन, वरुण धवन एंड अपने अर्जुन कपूर, गजब। मुझे तो वरुण धवन का बहुत अच्छा लगा कि मुंह से बुढ़े और सिक्स पैक है पूरे। हाँ मैंने किया, बट मैं एग्जैक्टली सेम ऐसी दिख रही। समझ रहे हो, आपकी असलियत पता चल गई है। जैस्मिन भसीन अभी से बुढ़ी है। बुढ़ी नहीं है, मैं बुढ़ी होके भी वैसी नहीं लगूंगी बुढ़ी टाइप। आई विल स्टिल लुक लाइक दिस यंग प्रिटी फ्रेश लाइक अ फ्लावर। अर्जुन कपूर क्या हॉट लग रहा था, मतलब वो बुड्ढा ही ज्यादा हॉट लग रहा मुझे। इसके बाद शायद अर्जुन कपूर को ही बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा। I swear, इतना हॉट लग रहा था। आराम से कंट्रोल। मेरा ये मानना है कि अनिल कपूर एक अजूबा है और मैं उनसे हाल ही में मिला। उनका जो एक माइंडसेट भी है, वो जैसे वो उठते हैं, जैसे वो चलते हैं, उनका दिमाग तेज़ है। और मुझे लगता है कि जिनका दिमाग तेज़ होता है ना, जो अडेप्ट करते हैं हर जनरेशन को, हर जनरेशन से, वो हमेशा यंग रहेंगे। और सोशल मीडिया पर सभी टीवी और फिल्मी सितारों ने अपने बूढ़े चेहरों को पेश कर रहे हैं, या फिर हो शाहरुख खान, फिर चाहे वो वरुण धवन हो, अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, इनके फैंस ने सभी सितारों के बुढ़ापे वाले चेहरे बना लिए हैं। भाई कमाल हो इस ऐप का, जो किसी को भी बूढ़ा बना सकते हैं। और इस ऐप को कहा गया है 50 ईयर्स चैलेंज। तो आज हम सास बहु बेटियां में चेहरों को और उनके साथ करेंगे 50 ईयर चैलेंज। चेहरा नंबर 1,
सीरियल जमाई राजा के जमाई यानी रवि दुबे का कैसा होगा बुढ़ापे वाला चेहरा देख लीजिए। चेहरा नंबर दो, दीपिका पादुकोण कैसी लगेंगी बूढ़ी होकर जरा देख लीजिए इस तस्वीर में। चेहरा नंबर तीन, जेनिफर विंगेट टीवी की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री अगर बूढ़ी हो जाएंगी तो ऐसी दिखेंगी। अगला चेहरा है सुरभि चांदना का, फिर इशबाज की अनिका और संजीवनी की डॉक्टर ईशानी बूढ़ी होकर कुछ ऐसी दिखेंगी। फिर ये सब तस्वीरें इनके फैंस ने क्रिएट किए हैं और जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जमा दिलों की झड़कन जन्नत जुबैर का बुढ़ापे वाला चेहरा उनके फैंस ने पेश कर दिया है। पलपुरी यानी बेपनाह प्यार के रघुबीर बुढ़ापे में कुछ ऐसे दिखेंगे। तो वहीं पर शाहरुख खान बूढ़े होकर कैसे दिखेंगे उनके फैंस ने पहले ही सबको दिखा दिया है। सबको हंसाने वाले मनीष पॉल का चेहरा बूढ़ा होकर ऐसा दिखेगा। तो सब हसीनाओं को अपने इशारों नचाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा होगा कुछ ऐसा। रणबीर कपूर की लड़कियां दीवानी है लेकिन बुढ़ापे में रणबीर कपूर क्या ऐसे दिखेंगे, तो भाई उनके फैन जरूर टिकने वाले हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तप्पू सेना बूढ़ी होकर कुछ ऐसी दिखेगी। भाई तारक मेहता के फैंस ने ऑलरेडी सबके एडवांस में फोटोज दिखा दी हैं। तापसी पन्नू का चेहरा बुढ़ापे में उतना ही हसीन रहेगा जरा देखिए इस तस्वीर में। तो वहीं पर श्रुति हसन ने भी अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली ये 50 साल का चालने लेते हुए। वैसे श्रुति हसन की फोटो देखकर हमें उनकी माँ सारिका की याद आ गई। टाइगर श्रॉफ के इस चेहरे को देखिए, लगते नहीं कि जैकी श्रॉफ जैसे। वैसे इन सब के बीच कुछ सदाबहार चेहरे ऐसे हैं जिन पर शायद 50 इयर्स चैलेंज का कोई असर नहीं है। और ये चेहरा है अनिल कपूर का, जिनके चेहरे को शायद 50 साल के इस चैलेंज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं पर राम कपूर की ये फोटो देखिए, उन्होंने तो 50 इयर्स चैलेंज को पीछे धकेल दिया और अपनी इस जवानी की फोटो को पेश किया। इकबाल खान का भी कुछ ऐसे ही हाल है, जिन्हें अपनी दाढ़ी और सफेद बाल दिखाने में कोई एतराज नहीं। वैसे इस ट्रेंड को शुरू किया था सोनम कपूर ने, जिन्होंने सबसे पहले अपनी तस्वीर डाली और उसके बाद देखा देखी में कई सितारों ने ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जिनमें शामिल है वरुण धवन। भाई वरुण धवन की तस्वीर देखकर हमें लगता है कि 40 साल बाद भी वो सलमान खान और शाहरुख खान की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं रियलिटी शोज के चेहरों का, जिनमें नाम है विकास गुप्ता का। भाई इनका 50 इयर्स चैलेंज देखिए और इनकी तस्वीर देखिए। अलादीन यानी सिद्धार्थ निगम जो अभी महज 22 साल के हैं, उनका बुढ़ापे वाला चेहरा भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे ट्रेंड आया था विदेश से, यकीन नहीं होता तो प्रियंका चोपड़ा के पतिदेव और देवर का ये 50 ईयर चैलेंज देखिए। भाई जोनस ब्रदर्स की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। वैसे इन सब के बीच टीवी के सीनियर सिटीजन गजराज राव यानी बधाई हो के पापा जी का 50 ईयर चैलेंज काफी मजेदार है। और ऐसा ही मजेदार चैलेंज है अमन वर्मा की इस तस्वीर का, जिन्होंने अपने बुढ़ापे के चेहरे को दिलीप कुमार से मिलाया है। भाई वो बिल्कुल बूढ़े होकर दिलीप कुमार जैसे लगेंगे। मशहूर पॉप सिंगर हार्डी संधू का ये 50 ईयर चैलेंज भी काफी इंटरेस्टिंग है। भाई आजकल जमाना भेड़चाल का है और लगता है 50 ईयर चैलेंज यानी बुढ़ापे की ये सेल्फीज है एक लेटेस्ट फैशन। देखना होगा जो फैंस और स्टार्स के बीच में और सोशल मीडिया पर खलबली मचाने के लिए अच्छा प्रयोग है। तो आप भी जाइए और इस ऐप के साथ अपने बुढ़ापे की तस्वीर भी खींचिए और सबको बताइए कि आप 40 साल बाद कैसे दिखेंगे। हाँ, नाइस एंड फ्रेश, ब्यूटीफुल आईज, स्पाउट, कौन है आप? आंटी जी? अरे आंटी होगी तुम्हारी माँ। देखो ये चेहरा तुम्हारा ही है। ये भगवान, ये क्या हो गया? ये कहाँ से आ गई? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप आई कहाँ से हैं? भूल गई तुम? तुम्हारे ही फोन के उस ऐप में तुमने डाला था ना अपना चेहरा, अपना बुढ़ाऊ चेहरा देखने के लिए। ये बाल वाला मतलब आपके ऐसे ही सफेद रहेंगे? ऐसे ही सफेद रहेंगे का मतलब हमारे ये सफेद बाल हमने धूप में नहीं पकाए हैं। तजुर्बा है हमारा। हाँ। ये कैसा ड्रामा है मेरे जीवन में। Oh my God, but not bad, huh? Not bad. मतलब एटलीस्ट बुढ़ापे में भी मैं थोड़ी सी ठीक ठाक तो लगी रही हूँ आंटी जी। लेकिन आंटी होगी तुम्हारी माँ। सॉरी मतलब के पूजा whatever. पूजा फ्यूचर, ओके व्हाटएवर इट इज। पूजा आपसे ये पूछना था कि आपको बुरा नहीं लगता मतलब जवानी में आपकी ब्यूटीफुल आईज, आईलैशेस, हाँ, हेयर, सब आपके दीवाने, और अब आपका ये हाल हो गया? आई मीन आई एम जस्ट सेइंग। मूर्ख लड़की,
इसमें बुरा लगने की क्या जरूरत है? अरे कितने लोग हैं जो अपने बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाते, अपने पोते पोतियों के साथ खेल ही नहीं पाते, और हमें देखो, हम तो अभी भी कितने हसीन लग रहे हैं। लो लो फोटो लो, चिपकाओ फिर अपने सोशल मीडिया पे हमारे संग कोलाज बना के यार।